मती इसका 18 अध्याय। तब पत्रस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों का लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़ों का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्जा चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्जा है भर दे। इस पर उसके संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदगृह में डाल दिया, जब तक कर्जा भर ना दे तब तक वहां रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्जा क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करने को नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर ना दे तब तक उनके हाथों में रहे। इस प्रकार यदि मैं तुमसे हर एक अपने भाइयों के मन से क्षमा ना करोगे तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हें भी क्षमा वैसे ही करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, फिर एक बार यीशु के नाम से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु, हर एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी भलाई, आपकी अच्छाई प्रभु हमें अनुभव करने के लिए मदद और सहायता कर, ताकि प्रभु आपके अनुग्रह को प्रभु हम अपने जीवन में देखने पाए। यीशु के नाम से प्रभु हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बहुत खूबसूरत तौर पर हमें कुछ बातों के बारे में बताता है। सबसे पहली बात, अगर आप 21 नंबर के वचन में देखेंगे तो ऐसे लिखा है, तब पत्रस ने पास आकर उसे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं? क्या 70 बार तक? और यीशु का रिप्लाई है, यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 70 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना। अब कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी बात वहां पर हो रही थी जहां पर पत्रस यीशु के पास आता है और पत्रस यीशु मसीह से वार्तालाप करता है कि कैसे हम अपराध क्षमा करें। अपराध एक बहुत डीप गहरा शब्द है और ये कहता है कि अगर कोई भाई मेरे विरोध में अपराध करता है तो उसे कितने बार क्षमा करना चाहिए, क्योंकि उसने कहीं तो सुना था कि हम 7 बार तक क्षमा कर सकते हैं। और वो जानता है यीशु मसीह के बारे में, वो जानता है यीशु के स्वभाव के बारे में, वो यीशु के विचार धारणाओं को जानता है और यीशु मसीह से आकर वो सवाल करता है कि प्रभु मुझे बताइए कि अगर मेरा भाई मेरे विरोध में अपराध करता है तो कित,
कितने बार तक उसे क्षमा करूं, क्या मैं 7 बार क्षमा करूं, उसके बाद क्या? और यीशु मसीह रिप्लाई देते हैं 7 बार का 70 गुना, और मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो वो आता है 490 बार। उसका अर्थ तो मुझे पता नहीं कि 7 से 70 बार यीशु क्या वहां पर कहना चाह रहे थे, लेकिन जब मैंने कैलकुलेट किया तो लगभग 490 ये अंक आता है। एक और एक वचन है, वचन 15 मत्ती इसका 18:15 का वचन, यहाँ पर लिखा, यदि तेरा भाई तेरे विरोध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। अब यहाँ पर यीशु मसीह वापस वार्तालाप करते हैं, यीशु मसीह वापस यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं पहले कि अगर तेरा भाई तेरे विरोध में पाप करता है तो जा और उसे अकेले में समझा, और अगर तूने उसे अकेले में समझाया इसका मतलब अगर वो समझ गया तो तूने तेरे भाई को जीत लिया है, तूने पा लिया है। यीशु मसीह बहुत रुचि रखते हैं लोगों के साथ अपना रिश्ता गहरा बनाने के लिए, और यही कारण है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं थे उन्होंने अपना रिश्ता इतना गहरा बनाया था कि उनके नाम के खातिर लोग मर मिटने के लिए तैयार हो गए। और यीशु मसीह वार्तालाप करता है कि कैसे आपके अपराधियों को आप क्षमा करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे अपराध को क्षमा किया है। ये वचन है जहां पर यीशु मसीह बलिदान होने से पहले पत्रस के साथ वार्तालाप करता है, और वो स्टेटमेंट है, अगर आप आपके अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा नहीं करेगा। लेकिन बात यह है कि आपके स्वर्गीय पिता ने आपको परिपूर्ण तौर पर क्षमा कर दिया है, और जब आपको यह मालूम होता है कि आपके अपराधों को आपके परमेश्वर ने क्षमा किया है तो आप नहीं चाहते हुए भी आपको आपके अपराधियों को क्षमा करना है, और उसका सबसे जो पहला स्टेप है वो है जाकर बातचीत करना, अपने पड़ोस वाले से कहे आपके अपराधियों से आपको बातचीत करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, मसीह जीवन इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। आप एक मसीह व्यक्ति होकर आपके हृदय में ईर्ष्या नहीं रख सकते, आप एक मसीह व्यक्ति होकर आप दूसरों के बारे में गलत नहीं सोच सकते, आप एक मसीह व्यक्ति होने के नाते आप दूसरों की बुराई के बारे में नहीं सोच सकते, आप मसीह व्यक्ति होने के नाते आपके अपराधियों के भलाई के बारे में आपको सोचना है, और अगर आप ये चीज करने के लिए हार जाते हैं तो आप परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के कार्यों को आपके जीवन से नहीं देख पाएंगे, आपके जीवन में नहीं देख पाएंगे, आप उन चीजों से वंचित रहेंगे। कौन व्यक्ति परमेश्वर के आशीष को अनुभव कर सकता है मालूम है, जब वो समझेगा कि उसके कितने गुनाह माफ हुए हैं। क्यों लोगों के अपराध पकड़ के रखते मालूम है, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि उनका परमेश्वर उनके सारे अपराध को माफ किया है। क्यों लोग दूसरों से नफरत करते मालूम है क्या, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने उनके सारे गुनाहों को माफ किया है। अगर आप ये जानेंगे कि परमेश्वर ने आपके सारे गुनाह को माफ किया है, आपको बहुत आसानी होगा लोगों के गुनाहों को माफ करने के लिए। यहाँ पर बहुत सुंदर स्टोरी है, और यीशु मसीह जो भी उदाहरण देते हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह जो भी उदाहरण देते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में। पत्रस के साथ जैसे यीशु मसीह वार्तालाप करते हैं और वो बताते हैं एक राजा के बारे में, वो कहते हैं कि एक दिन एक राजा के सामने एक व्यक्ति आया जिसने राजा से लगभग 10,000 रुपए उधार लिए थे, और 10,000 रुपए आज से 2,000 साल पहले बहुत थे। आपको पता होना चाहिए आज से लगभग अगर 50 साल पहले या 100 साल पहले या 200 साल पहले 100 रुपए में 200 रुपए में
बहुत बड़े बड़े घर मिला करते थे, तो वो 10,000 रुपए बहुत ज्यादा थे आज से 2000 साल पहले। और लिखा गया है कि वो राजा के सामने जब वो व्यक्ति आता है, वो राजा अपने नौकरों से या अपने लोगों से कहते हैं, ये इस व्यक्ति को मैंने कर्जा दिया था और ये व्यक्ति कर्जा भर नहीं पा रहा है, अब क्या करो, इस व्यक्ति को बेच दो, इसकी पत्नी को बेच दो, इसके बाल बच्चों को बेच दो, इसके सामान को बेच दो, जो भी इसके पास है सब बेच दो, और क्या करो, जो 10,000 रुपए मैंने दिए हैं उससे वसूलो। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़ता है, शायद गिड़गिड़ाता है, शायद घुटने पर आता है और कहता है, प्लीज मुझ पर दया करो, मैं आपका पैसा जरूर चुकता कर दूंगा। और ये राजा क्या करता है, जब देखता है शायद उसको, जब देखता है उसकी पत्नी को, जब देखता है उसके बच्चों को, इस राजा के हृदय में एक दया उभरता है और वो क्या करता है, वो कहता है ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझ पर दया करना चाहता हूं, जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। जैसे ये व्यक्ति अपने माफी को पाता है, ये माफी पाने के बाद ये जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है, एक और व्यक्ति इसके इसको मिलता है, जिस व्यक्ति को इसने पैसे दिए थे, और इसने दिए थे लगभग 100 रुपए। 10,000 कहां पर है और 100 रुपए कहां पर है? इसके 10,000 रुपए माफ हुए, लेकिन यह व्यक्ति क्या करता है, यह व्यक्ति जाकर उससे बातचीत नहीं करता है। लिखा यह व्यक्ति गला घोटता है उसका और कहता है, मेरा पैसा क्यों नहीं दिया तूने अभी तक। यह व्यक्ति सेम विनती करता है, यह व्यक्ति शायद अपना हाथ जोड़ता है, शायद घुटने पर आता है और यह व्यक्ति कहता है कि सर मैं आपका सारा पैसा चुकता कर दूंगा, प्लीज मुझ पर दया करो। लेकिन ये व्यक्ति उस पर दया नहीं करता है, ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति उस पर जुल्म करता है, ये व्यक्ति उसके बारे में कठोर चीजें करता है, ये व्यक्ति जो दया इस पर हुई है वो बहुत जल्दी भूल जाता है। और ये व्यक्ति क्या करता है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा अभी मुझे दे। ये व्यक्ति शायद बारंबार विनती कर रहा था कि मैं सच में आपका पैसा दे दूंगा, मुझे कुछ दिन का मोहलत दे दो, मैं प्लीज विनती करता हूं, मैं सच में आपका एक एक पैसा चुकता कर दूंगा। लेकिन इसने क्या किया मालूम है क्या, इसने बहुत कठोर चीज इस व्यक्ति के बारे में किया। अब कुछ लोग वहां पर देखते रहते हैं और वो जाकर राजा को बताते हैं कि देखो आपने जिस व्यक्ति को माफ किया, इतने सारे रुपए का कर्जा उसने लिया था और आपने इतना बड़ा दिल दिखाया, आपने माफ किया, लेकिन वो चंद रुपए के लिए वो किसी पर बहुत गलत चीजें कर रहा है, प्लीज आप उसे बुलाना चाहिए और आप उसको बताना चाहिए कि वो कौन है। राजा उसे वापस बुलाता है और कहता है तू ऐसे कैसे कर सकता है, तू इतना जल्दी भूल गया कि मैंने तेरे 10,000 रुपए को मैंने क्षमा किया और तू 100 रुपए क्षमा नहीं कर पा रहा है, अब मैं तेरे साथ वो व्यवहार करूंगा जो तूने उसके साथ में व्यवहार किया। याद रखिए परमेश्वर ने आपके साथ गलत व्यवहार नहीं किया है, आप बुरे होने के बावजूद परमेश्वर ने अपना प्रेम और अपना दया आपके जीवन पर दिखाया, आप गलत होने के बावजूद परमेश्वर ने अपना प्रेम आपके जीवन पर प्रकट किया है। और जब आप इन चीज को जानेंगे तभी जाकर आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं। कितना मालूम है क्या, लगभग 490 बार, लगभग 490 बार पास्टर में कितने बार उसको क्षमा करूं, लगभग 490 बार लगभग। और जब साल पूरा हो जाता है वापस 490 बार। देखो मैंने आपसे कहा था गए हफ्ते, क्योंकि मैं कुछ हफ्ते तक इसी चीज के बारे में प्रचार करने पर हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि ये बहुत जरूरी है हमारी कलीसियाओं में, बहुत जरूरी है खास करके इस 21वीं सदी की कलीसियाओं में, क्योंकि लोग आज जैसे वचन में लिखा है कि अंत के समय में लोगों के अंदर से परमेश्वर का प्रेम कम हो जाएगा और वो चीजें 21वीं सदी में देखने मिल रही है। लोग कहते हैं पास्टर आपको मालूम नहीं मेरा हृदय प्रभु के लिए धड़क रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना आपने परमेश्वर को देखा नहीं है। और
जिसको आप देखते हो उसके लिए अगर आपका हृदय नहीं धड़कता है तो आप शायद झूठ कह रहे, क्योंकि आपने जिसको देखा नहीं है उसके लिए कैसे आपका हृदय धड़क सकता है। आपको जो दिखाई देता है उसके लिए आपका हृदय धड़कना चाहिए, उसके लिए आपका हृदय तड़पना चाहिए, उसके लिए आप सोचना चाहिए, उसके लिए आप विनती करना चाहिए, उसके ऊपर आप अपना प्यार दिखाना चाहिए। जो दिखाई नहीं देता है उसके ऊपर आप आपका प्यार कैसे दिखा सकते हैं, जबकि जो दिखाई देता है उसके ऊपर आप अपना प्यार नहीं दिखाते। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कौन से व्यक्तियों के बारे में बुरा सोचते हैं, आप कौन से व्यक्तियों के बारे में बुरा कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये आपके आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आप कड़वाहट रखकर आप मिठास को अनुभव नहीं कर सकते। आपको मालूम है जब हमारा सेहत खराब हो जाता है, बुखार आया है या फिर किसी तौर पर अगर हमारा सेहत खराब हो जाता है तो हमें बहुत अच्छे से अच्छा चीज भी कड़वा लगने लगता है। कितने लोगों ने अनुभव किया है? क्यों? चीजें जो आप खा रहे, आप सेवन कर रहे, वो खराब टेस्ट का नहीं है, लेकिन आप बीमार होने की वजह से आपका स्वाद बिगड़ गया है। आप उस स्वाद को कैसे अच्छा कर सकते हैं? जब आप उसका सेवन करना चालू करेंगे धीरे धीरे, कुछ समय के बाद जब आपका सेहत अच्छा होने लगेगा, धीरे धीरे वो टेस्ट आपको वापस मिलने लगेगा। आप अपने हृदय में बहुत सारी गलत बातों को सोचते हुए, बहुत सारी गलत चीजों को करते हुए आप भलाई को अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर आप भलाई को अनुभव करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको परमेश्वर के पास में बैठकर ये सोचना है कि सच में प्रभु ने कितनी अच्छी बातें मेरे जीवन में की। लोग चिड़चिड़े क्यों है मालूम है? क्योंकि लोग परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं किए। वो जानते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, वो जानते हैं प्रभु बहुत अच्छा है, वो जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको क्षमा किया है, वो जानते हैं कि परमेश्वर हमारे गलत चीजों का हिसाब नहीं रखता है, वो जानते हैं हर एक बातों को, वो जानते हैं बहुत सारे परमेश्वर के वचनों को, लेकिन वो अनुभव नहीं करते। जानना बहुत अलग है और अनुभव करना बहुत अलग है। जानना बहुत अलग है। आपने टीवी पर देखा इजराइल देश बहुत खूबसूरत है, वहां के फल बहुत खूबसूरत है, वहां का जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब आप वहां पर जाते हैं और आप सेवन करते हैं, आप घूमते हैं, आप अनुभव करते हैं, आप चीजों को छूते हैं, तब जाकर आपको मालूम होता है कि यार ये बहुत अलग है जो मैंने सोचा था, जो मैं कल्पना कर रहा था, मेरे कल्पना से ये बाहर है। आप परमेश्वर के बारे में कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपने परमेश्वर कितने प्रतिशत अनुभव किया है। जब यीशु मसीह कब्र के पास आता है, जिस कब्र पर मरियम खड़ी हुई थी, मार्था खड़ी हुई थी, और कब्र के अंदर लाजरस मरा पड़ा था, उस कब्र के पास जब यीशु पहुंचते हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों बहनें दौड़ कर आई और मरियम उससे कहती है, काश अगर आप यहाँ पर होते शायद हमारा भाई मर नहीं पाता, मरता नहीं। यीशु कहते वो जरूर जिंदा होगा, और फिर वो रिप्लाई क्या देते, मुझे मालूम है कि वो पुनरुत्थान के दिन जिंदा होगा। यीशु मसीह पुनरुत्थान के दिन के बारे में बात नहीं कर रहे, यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं मैं स्वयं पुनरुत्थान हूं। पुनरुत्थान कोई दिन नहीं है, मैं स्वयं पुनरुत्थान हूं। अब इन दोनों बहनों ने देखा था कि यीशु मसीह लंगड़ों को चंगा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, गूंगों को बोलने की शक्ति देते हैं, बहरों को सुनने की क्षमता देते हैं, लेकिन उन्होंने शायद कभी देखा नहीं था कि कोई चार दिन का मरा हुआ इंसान को यीशु ने जिंदा किया। उन्होंने यीशु के बारे में बहुत अच्छा चीज सुना था, लेकिन उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था उन चीजों को जो आप अनुभव करने पर, इसलिए उन्होंने अनुमान नहीं लगा पाए, वो अपने अनुमान से चूक गए। जब यीशु ने कहा कि ये जरूर जिंदा होगा, इन्होंने अनुमान लगा एक दिन। जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बारे में बात करते हैं तो वो एक दिन आएगा जब वो उठाया जाएगा, पुनरुत्थान का दिन। और यीशु कहते हैं पुनरुत्थान का कोई दिन नहीं होता, मैं स्वयं पुनरुत्थान। हम जितना यीशु के बारे में जानते उतना काफी नहीं, क्या आप उन चीजों को अनुभव करते हैं? अगर आप सच में परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करेंगे तो आप क्या करेंगे मालूम है? जो भाई आपके विरोध में अपराध करता है, अपराध ये बहुत डीप मीनिंग है, बहुत गहरा शब्द है,
तो आप क्या करेंगे मालूम है क्या? आप उस भाई के पास जाएंगे और उससे वार्तालाप करेंगे। ऐसे वार्तालाप नहीं करेंगे उसका गला पकड़ कर, हे तू मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकता है, लेकिन आप बैठ कर वार्तालाप करेंगे मुस्कुराते हुए, ब्रदर ये जो आप कर रहे हैं सही नहीं मुझे ऐसे लग रहा है, और फिर वो कहेगा मैं जो कर रहा हूँ मैंने सही किया, मैंने गलत क्या किया। फिर आप मुस्कुराते उसे समझाएंगे परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, और अगर वहां पर आप उस व्यक्ति को जीत लेते हैं वो व्यक्ति हमेशा आपके फेवर में रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? अगर किसी भी व्यक्ति ने हमारे विरोध में कुछ अपराध किया है हम उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं। इस दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं है, जितने भी लोगों को आप देख पाते हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है। हालांकि उन्होंने आपके विरोध में बहुत सारा चीज किया होगा फिर भी वो आपके दुश्मन नहीं है। अगर आप उन लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं तो आप आपके जीवन में परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं करते, और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं करता है याद रखिए वो उन चीजों को अनुभव नहीं कर पाएगा। आपके पास सैकड़ों चाबियां होंगी लेकिन जिस घर पर आपने जो ताला लगाया है अगर उस ताले की चाबी आप नहीं लगाएंगे, आपके पास सुनहरा चाबी होगा, सोने का चाबी होगा, आपके पास चांदी का चाबी होगा, आपके पास कीमती चाबी होगा, लेकिन अगर उस ताले का चाबी नहीं है तो आप कितना महंगा भी चाबी क्यों ना लगा लो वो ताला नहीं खुलेगा। उसी प्रकार अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप उन बातों को आपके जीवन में अनुभव नहीं करेंगे। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के वचनों को पूरा करने के लिए संयोग नहीं करते हैं तो आप क्या करते मालूम है क्या? आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ में खड़े होते हैं, और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के खिलाफ में खड़ा होता है वो परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा होता है। प्रभु का वचन ऐसे, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप परमेश्वर के खिलाफ में खड़े हो। अगर आप जो बातें स्वर्ग में रखी गई है आपके लिए, अगर आप उन बातों को इस पृथ्वी पर अनुभव करना चाहते हैं तो आपको वचन अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। प्रभु मैं अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर, लेकिन आपके वचन में लिखा है इसलिए मैं तैयार हूं क्षमा करने के। मुझे क्या करना पड़ेगा? जाओ और उनसे मिलो और वार्तालाप करो, क्योंकि अगर आप उनको क्षमा नहीं करते तो आप अपने आप को कैद में रखते हैं। अगर आप उनको क्षमा नहीं करते तो आप अपने पांव पर बेड़ियां बांध कर लेते हैं। अगर आप उनको क्षमा नहीं करते तो आपके जीवन में पीछे जाते हैं। अगर आप उनको आप क्षमा नहीं करते आपके भविष्य में आप प्रवेश नहीं कर पाते। जब आप उनको क्षमा नहीं कर पाते आपका हृदय परमेश्वर के वचन के खिलाफ में खड़े होने लगता है। जब आप उनको क्षमा नहीं करते आप अपने आप को बीमार करते। जब आप उनको क्षमा नहीं करते आप अपने आयु को कम कर देते, और प्रभु कभी नहीं चाहेगा आपके आयु को कम करने के लिए, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है। देखो जो व्यक्ति वचन को मानता नहीं है, उदाहरण के तौर पर अगर मेरा झगड़ा किसी के साथ में होता है हो सकता है कि मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा, हो सकता है। अगर किसी ने मेरे विरोध में कुछ अपराध किया है हो सकता है कि मैं मेरा जो रिश्ता पहले से जैसे था शायद वैसा नहीं रहेगा, लेकिन मेरे मन में उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं होना चाहिए। तो कुछ नहीं होने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं स्वयं जाऊंगा, मैं उनसे मुलाकात करूंगा, मैं उनसे कहूंगा देखो मुझे ये चीज पसंद नहीं आया, मुझे ये चीज बहुत बुरा लगा, और क्यों आपने ऐसे किया? तो वो कुछ एक्सप्लेनेशन करेगा, वो कुछ बताएगा, फिर उसके बाद मैं उसके साथ वार्तालाप करूंगा, मैं उसे सुलह करूंगा। और अगर मुझे लगता है कि मैं उसके साथ दोबारा बात करना चाहिए मैं बात करूंगा, अन्यथा मैं उससे दूर रहूंगा, लेकिन मैं उसके बारे में मेरे हृदय में मैं कुछ नहीं रखूंगा। अगर मैं उसके बारे में हृदय में कुछ रखता हूं तो वो बातें मेरे जीवन में एक कड़वाहट बन जाएगी, उसको जब मैं देखूंगा वो चीजें मुझे याद आएगी और मैं उसके विरोध में कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में सोचने लगूंगा। और जब भी आपके अंदर कड़वाहट रखते याद रखिए आपका अंदरूनी हिस्सा आपको बीमार कर देता है। कड़वाहट एक बहुत बहुत डेंजरस चीज है। आप जब किसी खिलाफ में रणनीति बनाते हैं वहां पर
शत्रु ज्यादा कर आपको इस्तेमाल करता है। अपने पड़ोस वाले से कहे, आपके अपराधियों को आपको क्षमा करना है। अपने अपराधियों के नाम को लिखना चालू करो और जब मौका मिले उनसे बात करना चालू करो। जो व्यक्ति कहता है, ब्रदर मैं उसको कभी क्षमा नहीं करूंगा, उसको सलाह दो, आप परमेश्वर के खिलाफ में खड़े हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहीं ऐसे नहीं कहता है कि आप उसे क्षमा मत करो। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के खिलाफ में खड़ा हुआ है, आपसे कहना चाहता हूं ना मैं, आप उसके साथ उसका साथ कभी नहीं दे सकते, क्योंकि जो व्यक्ति उसका साथ देता है वो भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ में खड़ा होता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के खिलाफ में खड़ा होता है, मैंने आपसे कहा कि वो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा होता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा होता है, कैसे उन बातों को अनुभव कर पाएगा जो बातें प्रभु की ओर से आती है? अगर आप उन बातों को अनुभव करना चाहते हैं जो बातें प्रभु की ओर से आती है, आपको वचन का अनुकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो बड़े बड़े दरवाजों खोल के रखती है। जब आपका हृदय, आपका स्वभाव, प्रेम का स्वभाव जब आप बनाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े दरवाजों को, ये व्यक्ति जिसके 10,000 रुपए माफ हुए थे, वो भूल गया कि कितना इसके स्वामी ने, इसके मालिक ने, या जिससे इसने कर्जा लिया था, किस प्रकार क्षमा हुआ है, वो भूल गया था। कुछ ही पल में परमेश्वर ने किस प्रकार आपको क्षमा किया, आप कभी मत भूलिए। जब भी आपको मौका मिलता है, आप उसे स्मरण करें और आप कहें, परमेश्वर सच में आपने मुझ पर दया किया, सच में आपने मुझ पर अनुग्रह किया, सच में आपने मुझे माफ किया, और उस माफी को मैं ग्रहण करता हूं, और परमेश्वर मेरे भाई को, मेरी बहन को प्रभु मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूं, मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूं। और आप क्षमा कब करना चाहिए मालूम है? अगर उसने दिन के समय आपके जीवन में अपराध किया है, आपके विरोध में अपराध किया है, तो सूरज ढलने से पहले, पास्टर ठीक है सूरज ढलने से पहले, लेकिन रात में किया तो सूरज उगने से पहले हमारे पास समय का दो ही जोन है, एक सूरज ढलने से पहले और दूसरा सूरज उगने से पहले, ये दो जोन है। हम बीच वाले जोन पर विश्वास नहीं रखते। अपने हृदय को आप जांचना चालू करो, और जो लोगों के विरोध में चीजें हैं उनके लिए प्रार्थना करना चालू करो। मौका ढूंढो उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, और जो भी आपके हृदय में है उनके साथ शेयर करने के लिए। अगर आपने किसी के विरोध में कुछ किया है, ऐसे लोगों को भी आप ढूंढना चालू करो, उनसे क्षमा मांगो। और अगर वो आपको क्षमा नहीं करते, वो उनका प्रॉब्लम है, हमने अपना काम कर लिया, हम उस जंजीर से आजाद हो चुके हैं, हम उन बंधनों से आजाद हो चुके हैं। आपको परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करना है और परमेश्वर के प्रेम को बांटना है। जितना ज्यादा आप अपने आप को क्षमा करेंगे, जितना ज्यादा आप दूसरों को क्षमा करेंगे, उतना ही ज्यादा आप आपके जीवन में आजादी को अनुभव कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप देख पाएंगे आप स्वस्थ हैं इस पृथ्वी के ऊपर, आप बीमारियों से दूर रहेंगे, आप बहुत सारे टेंशन से दूर रहेंगे, आप बहुत सारे जेल से दूर रहेंगे। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता है, वो कुछ इस प्रकार है कि वो अपने आप को हमेशा जेल के अंदर रखता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? आपके और उस व्यक्ति के बीच में एक बहुत बड़ा दरार खड़ा कर रहे हैं, या फिर दीवार खड़ा कर रहे हैं। और जब आप और उस व्यक्ति के बीच में बहुत बड़ा दीवार बन जाता है,
याद रखिए, वो दीवार आपको एक जेल के अंदर बंद करता है। आप चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लो, आप चाहे कितनी भी मध्यस्थी कर लो, कोई भी भविष्यवक्ता से प्रार्थना करवा लो, दीवार कभी नहीं टूट सकती। मैं एक दिन एक किताब को पढ़ रहा था, एक प्रभु का बहुत अद्भुत सेवक जिनका नाम जॉन जी लेक है। एक दिन जॉन जी लेक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो जान नहीं पा रहे थे कि व्यक्ति ठीक क्यों नहीं हो रहा। जॉन जी लेक उस समय चंगाई के घर को तैयार करते, यानी उनके बहुत सारे अलग अलग हीलिंग रूम्स होते हैं, बहुत सारे जगह पर जहाँ पर डॉक्टर जवाब दे देता है, तो लोग क्या करते थे, लोग उस व्यक्ति को इनके हीलिंग रूम में लाते और वहाँ पर किसी प्रकार के दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो उनके हीलिंग रूम में आकर वहाँ पर वो प्रभु के बारे में सिखाते, प्रभु के बारे में उनके हृदय को तैयार करते और फिर जॉन जी लेक आते और फिर उनके लिए प्रार्थना करते और लोग चंगे हो जाते। तो एक शाम को जब जॉन जी लेक आए और जब एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे वो व्यक्ति ठीक ही नहीं हो रहा, अचानक परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा कि काम करो, इस व्यक्ति को आपकी पत्नी के पास भेजो जहाँ पर वो इसे सलाह देगी और वो उसके लिए प्रार्थना करेगी। सो उन्होंने, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो बहुत अच्छी सलाहकार थी, उसके पत्नी जब इस व्यक्ति से बात किया, उसकी पत्नी ने के लिए मध्यस्थी किया और फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसकी पत्नी को दर्शाया कि यह व्यक्ति बहुत सारे कड़वाहट को उसने अपने अंदर रखा हुआ है और वो कड़वाहट के वजह से बहुत सारे बीमारी इसके शरीर से जकड़ी हुई है। और परमेश्वर की आत्मा ने उसकी पत्नी से कहा, इसे कहे कि जितने भी लोगों को इसने क्षमा नहीं किया है, क्षमा करने के लिए। तो ये उसकी पत्नी इस मरीज के पास झुकती और कहती है कि आपको क्षमा करना बहुत जरूरी है, आपने क्यों लोगों के बारे में बहुत सारी बातें आपके मन में रखी हुई है, क्षमा करना शुरू करो। वो महिला उसके सर के ऊपर हाथ रखती है और ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति अंगीकार करता है, ये व्यक्ति बोलना चालू करता है, प्रभु मैं इसको माफ, परमेश्वर इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में ये चीज किया है, मैं इसको क्षमा करता हूँ। और कुछ ही मिनटों में ये व्यक्ति चंगा हो जाता है। इसकी चंगाई के लिए इस महिला ने किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं की, लेकिन इसने क्या किया, इस महिला ने बताया कि कैसे तू अपनी चंगाई को ग्रहण कर सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे गवाहियों को सुना है कि क्यों लोग अपने बीमारी से ठीक नहीं हो पाते, और काफी बार समस्या होता है लोगों के बारे में बहुत सारा चीज अपने हृदय में रखना। जब आप कोई भी बातें जो लोगों ने आपके जीवन में किया है, जब आप अपने हृदय में जमा करके रखते हैं, वो चीजें आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने नहीं देती। उन चीजों की वजह से आप परमेश्वर की बहुत सारी बातों को अनुभव नहीं कर पाते। परमेश्वर ने जिस प्रकार आपको क्षमा किया है, जब आप उसके क्षमा को ग्रहण करेंगे तभी जाकर आप लोगों को माफ कर पाएंगे। कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने आपको पूरी तौर पर क्षमा किया, बाकी के लोग? बहुत जरूरी, अगर आपको लगता है कि प्रभु ने आपको पूरी तौर पर क्षमा किया है, उसी प्रकार आप लोगों के 90% अपराधों को क्षमा मत करो, 100% अपराधों को क्षमा करो। मैं वापस कहता हूं, क्षमा इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस उनके साथ वैसे व्यवहार करो, जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है उनके साथ मैं वापस बात नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन उनके बारे में आपके हृदय में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उनके बारे में आपके हृदय में कुछ रहा तो ये आपके लिए समस्या है, ये आपके शरीर के लिए समस्या है, ये आपके भविष्य के लिए समस्या है, ये आपके लिए चिंताजनक है। आप लोग पास्टर कुछ बेहतर सुनना चाहते हैं, कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, कुछ रेवलेशन से भरा चीज सुनना चाहते हैं, वो चीज काम नहीं करेगा अगर आप ये चीज नहीं करते हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर भविष्यवाणियां दुनिया भर की होती है, लेकिन वो पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय बहुत ज्यादा मायने रखता है। यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया और बहुतायक बार यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है क्या, जब चार लोगों ने एक अपाहिज व्यक्ति को, लकवे के रोगी को लेकर आए,
और छत पर से नीचे उतारा। यीशु मसीह का पहला स्टेटमेंट क्या था उनको देख के मालूम है, जा बेटा तेरा पाप क्षमा हो गया। उसको चंगाई की जरूरत है, लेकिन यीशु कहता है जा तेरा पाप क्षमा हो गया। चंगाई का और पाप क्षमा का क्या मेल है? यीशु को मालूम है अगर मैं इसे कहूंगा कि चंगा हो जा तो वो चंगा हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा वापस उसी हालत में पड़ सकता है अगर उसको ये मालूम नहीं हुआ कि उसको क्षमा मिल गया है, उसको माफी मिल गई है। अगर उसको ये मालूम पड़ेगा कि उसको माफी मिल गई है तो वो उस बीमारी से दूर रहेगा। जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको माफी मिल गई है परमेश्वर से, तब जाकर आप लोगों को माफ कर सकते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा कि आप सच में परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं? आपको मालूम है बाइबल का नियम क्या है? दो नियम। पहला कि तू अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम कर, और दूसरा वैसे ही अपने समान तो अपने पड़ोसियों से प्रेम कर। सबसे पहले पूरे हृदय से, पूरे शक्ति से, पूरे मन से आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है। कैसे मालूम पड़ेगा कि आप सच में संपूर्ण प्रतिशत परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? एक दिन यीशु मसीह एक फरीसी के घर पर बैठा हुआ, शिमोन नाम का एक महिला आती है और एक महिला यीशु के पांव के पास बैठकर आंसू बहाती है। और फिर जो शिमोन जिसने यीशु को आमंत्रित किया था और दूसरे शास्त्री फरीसी लोग वहां पर कुछ बोलने लगे और वो कहने लगे कि अगर ये सच में भविष्यवक्ता होता, इसको मालूम पड़ता कि ये कौन है। अगर ये भविष्यवक्ता होता, इसे मालूम पड़ता ये औरत कितनी गलत है। अगर ये भविष्यवक्ता होता, ये जानना चाहिए कि कैसे कोई इतनी गंदी औरत, इतनी गलत औरत यहाँ पर आई और यीशु को वो उसके पांव को छू रही है, वो रो रही है, कैसे यीशु मसीह इजाजत देंगे? यीशु मसीह ने उनके हृदय को जांचा और कहा, शिमोन मुझे बता, वो बहुत सुंदर उदाहरण है और वो उदाहरण ने काफी सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन और बदलाव लाया। वो वापस उदाहरण देते हैं कि एक को 500 और एक को 50 उधारी दिया गया, ये दोनों नहीं भर पाए और इन दोनों का कर्जा माफ कर दिया गया, तो कौन ज्यादा प्यार करेगा, जिसके 500 माफ हुए वो या जिसके 50 माफ हुए वो? वो कहता है हाँ, और जिसके 500 माफ हुए वो? फिर वो कहता है हाँ, कौन मुझसे ज्यादा प्यार कर सकता है जो ये जानेगा कि मेरे ज्यादा गुनाह, मेरे ज्यादा अपराध, मेरे ज्यादा पाप माफ हुए। अगर आप पूरे बाइबल को अच्छे से पढ़कर देखें, खास करके नए नियम को, तो आपको मालूम पड़ेगा पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आधे से ज्यादा नया नियम लिखा है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत अद्भुत से बुराई किया और वो क्या कहता मालूम है क्या? मैं तुम सबसे बढ़कर, तुम सब में सबसे बड़ा पापी मैं। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के उस प्रेम को अनुभव किया और वो जान गया कि उसके सारे अपराध माफ हो चुके हैं, उसके सारे पाप माफ हो चुके हैं और इसीलिए उसने अपना जीवन पूरी तौर पर परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। जब आप ये जानेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है और आपके कितने गुनाहों को उसने माफ कर दिया है, तो आप लोगों के अपराधों को, लोगों के पाप को और लोगों के उन बातों को जो आपके विरोध में किए गए ना, आप अपने खुद को जख्मी करके नहीं लो। देखो, जब आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन लोगों ने आपके विरोध में कुछ किया है, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आप कभी कर देखिए, जिस व्यक्ति ने आपको बहुत चोट पहुंचाया है, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं या फिर आप वचन पढ़ने के लिए बैठते हैं, जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, आपका दिल नहीं लगता है प्रार्थना करने के लिए, आपका मन विचलित हो जाता है, आपकी सोच यहाँ वो भटकने लगती है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने उसको क्षमा नहीं किया है और इसलिए उस स्पिरिट ने क्या किया है ना,
उस बातों ने क्या किया मालूम है क्या, उसने आपको जकड़ कर रखा हुआ और वो आपको रिलीज नहीं कर पा रहा। लेकिन जब आप उसे क्षमा कर दें, आप पूरी तौर पर अपने आप को आजाद कर दें, वो व्यक्ति चाहे सामने आए, वो व्यक्ति चाहे आपके बारे में बात करे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसे माफ किया, अब उसके कोई भी जंजीर मुझे बांध कर नहीं रख सकते, उसकी कोई भी जंजीर मुझे जकड़ कर नहीं रख सकती, अब उसकी कोई भी जंजीर मुझे आगे बढ़ने के लिए नहीं रख सकती, क्योंकि मैंने उसे क्षमा किया है, अब मैं उसके जंजीरों से बंधा हुआ नहीं। यीशु मसीह ने आपको संपूर्ण प्रतिशत क्षमा किया, इसलिए लोगों को आपको क्षमा करना जितना हो सके उतना। किसी भी व्यक्ति के बारे में जब आपके मन में कोई बातें आती है, आप तुरंत उससे सुलह करो। सुलह करना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सुलह करना, परमेश्वर की सेवकाई करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सुलह करना, प्रभु से संगति करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सुलह करना। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सुलह करना, प्रभु को स्मरण करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सुलह करना। आप कहेंगे पास्टर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, याद रखिए जब आप भेंट लेकर जाते हैं तो आप कहां पर भेंट लेकर जाते हैं मालूम है क्या, प्रभु की उपस्थिति, और प्रभु क्या कहते हैं, तेरे भेंट को यहीं पर रख और जा अपने भाई से सुलह कर ले। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आप अगर सुलह नहीं करते, अगर आप भेंट भी चढ़ाते तो भी आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सुलह करना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी लोगों को क्षमा करना बहुत मत, सुलह करना ही नहीं, लोगों को क्षमा करना, लोगों को माफ करना, सुलह करना। कभी कभी क्या होता है कि जब आप सुलह करने जाते हैं, सामने वाला सुनने के मूड में नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम, वक्त आप व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना कर कर चीजों को रफा दफा कर सकते हैं, आप परमेश्वर के सामने उस व्यक्ति को लेकर आते और आप अपने हृदय से उसके लिए प्रार्थना करते, उसको क्षमा करते, और जब वक्त आएगा, जब उसका दिमाग ठंडा होगा, आप जाकर उसके साथ वार्तालाप करें, आप इंतजार कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने प्रभु की उपस्थिति में क्षमा कर दिया है, आपने उस व्यक्ति को माफ कर दिया है, आपने उसके लिए प्रार्थना करना चालू किया कि प्रभु उसका मन बना बात करने के लिए। अगर आप दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है कुछ चीजों को लेकर, ये हिस्सा मेरा है और ये प्रॉपर्टी मेरा है और ये घर मेरे नाम पर था और तेरे नाम पर कैसा हो गया, इश्यूज बहुत सारे हो गए, झगड़े हो गए, शायद वो आपकी बात को नहीं मानेगा, इंतजार करो, आपका जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, प्रभु के सामने उन चीजों को लेकर आओ, प्रार्थना करो, क्षमा करो, और जब उसका दिमाग ठंडा हो जाए उससे जाकर बात करो और बताओ कि आपने ये चीज सही नहीं किया। सुलह करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्षमा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, भेंट चढ़ाने से भी ज्यादा, प्रभु की उपस्थिति में जाने से भी ज्यादा जरूरी है। और प्रभु अपनी उपस्थिति में आने से रोकता है और कहता है कि हे भेंट यहीं पर रख, जा अपने भाई से सुलह कर और फिर भेंट मेरे पास लेकर आ। इसलिए जब आप मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अपने सीढ़ी को लोगों का तिरस्कार मत बनाओ, यानी जो लोगों ने आपको ठुकराया है, जो लोगों ने आपको चोट पहुंचाया है, उन भावनाओं के ऊपर अपने आत्मिक जीवन को मत उभारो। हर दिन ढूंढो ऐसे व्यक्ति को, क्या कोई व्यक्ति आपके हृदय में चुभ रहा है, कोई व्यक्ति आपके हृदय में चोट पहुंचा रहा है, और ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चालू करो, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए वैसी बातों की है, परमेश्वर ने आपके अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही आप अपने अपराधियों को क्षमा करो। प्रभु ने माफ किया, प्रभु ने शुरुआत कर दिखाया, और इसीलिए आपको भी उन चीजों को करना है, आपको भी उन बातों को करना है, और जब आप उन बातों करना चालू कर, आप देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति पहले से ज्यादा आपके जीवन में, आप समझ पाएंगे, आप सुन पाएंगे। जब आप लोगों को क्षमा करते हैं तो आप क्या करते हैं ना, अपने हृदय को बड़ा करते हैं प्रभु का सुनने के लिए। जब आप लोगों को क्षमा नहीं करते तो जिस जगह पर परमेश्वर रहना चाहिए वहां पर लोग आकर रहना चालू करते हैं,
हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो परमेश्वर के रहने का स्थान है, वहां पर प्रभु आकर रहना चाहिए। लेकिन वहां पर लोग रहते हैं, हमारे अपराधी रहते हैं, हमारे शत्रु रहते हैं, जिन्होंने हमारे खिलाफ में बात की है वो लोग रहते हैं। और हम क्या करते हैं, क्या प्रभु को या प्रभु का जगह जो है ना कम कर देते हैं हमारे जीवन में। हमारा मन परमेश्वर के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं, जैसे वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, जैसे कोई उस व्यक्ति के बारे में बात करता है, हम प्रभु के बारे में भूल जाते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सोचना चालू करते हैं। उस व्यक्ति के बारे में बोलना चालू करते हैं। परमेश्वर को अगर आप सच में अपने जीवन का प्रथम स्थान देना चाहते हैं तो क्षमा करना चाहते हैं 7 से 70 बार। क्या आपने लगभग 490 बार किसी को क्षमा किया है? अगर नहीं किया है तो प्रैक्टिस डालो। मसीह जीवन जो है क्षमा करने का जीवन है। अगर आप लोगों के सारे गलतियों को इकट्ठा करके रखेंगे, एक दिन वो आपके लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। इसीलिए आप क्या करिए, शुरुआत कर दे लोगों को माफ करने की, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए मध्यस्थी करें, उनको जाकर मिले, उनको क्षमा करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करवाए, ताकि परमेश्वर आपसे बातें कर पाए, ताकि परमेश्वर आपसे उन चीजों को प्रकट कर पाए जो उसने आपके लिए ठहराया है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में बात करता है। किसी के बारे में बात करना गलत नहीं है, लेकिन जब आप उसके बारे में बात करते और उस बातों के द्वारा उसकी उन्नति नहीं होती है, वो चीज हम हर एक लोगों के लिए सही नहीं है। जब आप किसी के बारे में बात करते हैं, बाइबल कहता है कि आपकी बातों में अनुग्रह छलकना चाहिए। जब आप किसी के बारे में बात करते हैं, ये जरूरी है कि आप प्रेम के शब्द उसके लिए उच्चारण करना चाहिए। जब आप ये चीज नहीं करते हैं, आप अपने आप को घायल कर लेते हैं, आप अपने आप को चोट पहुंचा कर लेते हैं। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको कोई समस्या नहीं उन चीजों से, लेकिन आप अपने आप को वो सारा समस्या पहुंचाते हैं। आपको वो चीज दिखाई तो नहीं देती, लेकिन दिन जैसे बीतते चले जाएगा उस समय के बाद आप उन चीजों को अपने ऊपर देखना चालू करते हैं। जब आप लोगों के विरोध में चीजों को अपने मन में रखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप खुद को घायल करते हैं, आपको अपने आप को चंगा करने। कैसे आप चंगा कर सकते हैं? प्रभु के क्षमा को ग्रहण करिए और लोगों को क्षमा करिए। आपका मन, आपका हृदय, आपके शरीर के कई सारे हिस्से ऑटोमेटिक चंगे हो जाएंगे। मन का आनंद अच्छा औषधि। आप कैसे मन में आनंद कर सकते मालूम है क्या? जब आप क्षमा करेंगे, जब आप लोगों को माफ करेंगे। आपने परमेश्वर के क्षमा को ग्रहण किया और आपने लोगों को माफ किया। एक आखिरी चीज फिर हम प्रार्थना करेंगे। सोच कर देखिए आपने कैसे कैसे काम परमेश्वर के विरोध में किए, कितने बुरे बुरे काम आपने परमेश्वर के विरोध में किए, लेकिन फिर भी आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु ने आपको क्षमा किया, प्रभु ने आपको और एक मौका दिया। सेम उसी प्रकार आपको क्या करना है, औरों को मौका देना है, औरों के लिए प्रार्थना करना है। आज भी यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर वो आपके लिए मध्यस्थी करता है, ऐसे बाइबल कहता है। वो मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति है, वो आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है, आपके भविष्य के लिए मध्यस्थी कर रहा है, आपके जीवन में अच्छा चीजों को लाने के लिए वो मध्यस्थी कर रहा है। और अगर आप उसके हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी लोगों को क्षमा करें, उनके लिए मध्यस्थी करें, उनके लिए प्रार्थना करें, और यीशु मसीह ने जो बातें आपके जीवन में रखी है उन चीजों को अनुभव करने के लिए रास्ता और मार्ग तैयार करें। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम उन लोगों को स्मरण करेंगे जिन्होंने हमारे विरोध में कुछ चीजों को किया है और उनको हम क्षमा करेंगे।